राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ भारत में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा ही एक प्रदर्शन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान में भी कल हुआ। प्रदर्शन के दौरान कोरोना वायरस की गाइडलाइंस का उल्लंघन करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की अगुवाई में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। अब इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती दिखाई है। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश शांति का टापू है, लेकिन अब भोपाल में शांति भंग करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मांग की कि केंद्र सरकार फ्रांस में भारतीय राजदूत को वहां के शासन के मुस्लिम विरोधी रुख के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए कहे। मसूद ने मैक्रो पर पैगंबर मोहम्मद के आक्रामक कार्टूनों का समर्थन करने और जानबूझकर मुस्लिमों की भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया है। इकबाल मैदान में भीड़ इकट्ठी करके कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद समेत करीब 2000 लोगों के खिलाफ थाना तैलिया में धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये पूरा विवाद पेरिस के उपनगरीय इलाके में एक शिक्षक की हत्या के बाद शुरू हुआ, जिसने पैगंबर मोहम्मद के कार्टून अपने विद्यार्थियों को दिखाए थे। बाद में उसके सिर काटकर हत्या कर दी गई थी। शिक्षक की हत्या के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से की गई विवादित टिप्पणी को लेकर मुस्लिम देशों के बीच फ्रांस के खिलाफ माहौल बनता जा रहा है, लेकिन इसमें भारत ने भी एंट्री मार ली है और फ्रांस का ये विवाद भारत में भी बढ़ता दिखाई दे रहा है।